तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि कंट्राबैंड के अंदर It's a setup, it's a setup, it's a setup, there's a poem, it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's a स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह देता हूँ कि हमारे पिछली वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के जो कुछ वीडियो थे हमारे बनाए हुए हैं मैंने, तो उसके डिटेल में समझाया, आप जाकर वहाँ समझ सकते हो कि ये टूल्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टूल्स किसके लिए काम होते हैं, कौन कौन से टूल्स के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। ये बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है यहाँ पर, तो अलग अलग टूल्स है यहाँ पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर ले और वहाँ से आप पढ़े तो परफॉर्मेंस मॉनिटर क्यों यूज़ होता है, इवेंट व्यूअर क्यों यूज़ होता है, कंपोनेंट सर्विसेज क्या होती है। तो ये पार्ट वाइज सर्विसेज होती, पार्ट वाइज होती है यहाँ पर हमारे वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको और अच्छी तरह से समझने, और आपको समझना चाहते हो ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ें आपको पार्ट वाइज समझनी होगी, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के अंदर पार्ट बनाए हुए हैं मैंने। जैसे कि इवेंट व्यूअर है तो इवेंट व्यूअर के 3 पार्ट है, तो जितने भी हमारे पार्ट है वो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि हमारे जो सेटिंग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के सेटिंग्स होते हैं, बहुत ही आपको मुझे डिटेल में समझाना है, तो इसके लिए मैं आपको ये पार्ट वाइज करके देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। फिर ऑटो प्ले बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है, बीट लॉकर ड्राइव क्या हो, इंक्रिप्शन क्या होता है, डिफॉल्ट प्रोग्राम हो क्या होता है, क्रेडिट मैनेजर क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। होम ग्रुप क्या होता है, किस तरह से क्रिएट करते हैं हम और किस तरह से यूज होता है। तो आज हम पर्सनल सेटिंग सीखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैं पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से हमें पीछे एक विंडो 7 के अंदर भी यही है, विंडो 8, विंडो 8.1, लेकिन मैं कंट्रोल पैनल से ओपन करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल पैनल से ओपन कर ही विंडो। और बात करते हैं यहाँ पर विंडोज 10 के अंदर पर्सनल सेटिंग, तो ये भी पर्सनलाइजेशन सेटिंग से है, लेकिन उससे थोड़ा कुछ चेंज है यहाँ पर। तो इस पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको विंडो 10 सेटिंग्स की प्लेलिस्ट में जाना होगा आपको, और वहाँ से आपको ये सीखना होगा कि ये पर्सनल सेटिंग्स कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। तो फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी पहले से ही मैं वीडियो बनाकर रखी है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। मैं सिर्फ बात करूँगा यहाँ पर हमें कंट्रोल पैनल से पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो पर्सनल सेटिंग्स के अंदर मैं विंडो की बात करूँ तो आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल होम है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के लिए ओके, तो ये कंट्रोल पैनल के होम के अंदर आने के लिए होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कुछ थीम्स मिलती है, तो थीम्स क्या होती है कि विंडोज ने पहले से कुछ ऐसी फोटोज, हम जब इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज सर्वर हो या विंडोज सर्वर के उससे भी पहले, तो पहले से कुछ ऐसी थीम्स जो पहले से ऐड की रखी हुई है और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। तो ये थीम्स है, ये 3 तरह की थीम्स आप देख सकते हो यहाँ नीचे,
और ये मैंने थीम सेट करके रखी है, तो किस तरह सेट करनी है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो एक कंट्रा पैनल के थ्रू से पर्सनल सेटिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले जब मैंने इंस्टॉल किया था विंडोज 10 तो मुझे इस तरह की विंडो मिली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है ये इस तरह की मेरी थीम्स थी। तो थीम्स उसे कहते हैं कि जो हमारा जो पीछे जो डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो हमारा ये विंडो का इमेज है तो इसको कहते हैं थीम्स। और थीम्स भी कह सकते हो, और वॉलपेपर वो भी होता है तो वो भी एक तरह का थीम्स का ही काम करता है क्योंकि तो थोड़ा अलग होता है। तो एक आप देख सकते हो कि ये थीम्स है, लेकिन मुझे इसकी इस जगह पर मुझे अपना फोटो ऐड करना है या तो अपना कोई और अलग थीम सेट करना तो कर सकते हैं। तो इसका काम होता है पर्सनलाइजेशन, तो यहाँ पर ही पर्सनलाइजेशन सेटिंग यूज होती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं आपको ऊपर क्लिक करता हूँ विंडोज 10 लिखा है यहाँ पर, तो इसके पीछे कुछ फोटोज है तो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो फोटो चेंज हो गई। राइट क्लिक करो और यहाँ पर नीचे देख सकते हो नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो फोटो चेंज हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ राइट क्लिक करके, फिर और नेक्स्ट करता हूँ राइट क्लिक करके। तो ये क्या होती है, थीम्स होती है, और ये थीम ऑटोमेटिकली चेंज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक किस तरह से रखना है वो भी आपको मैंने बताया था विंडोज 10 के अंदर। तो विंडोज 10 के अंदर आपको मैंने बताया था ऑटोमेटिक किस तरह से रखना है। तो सेटिंग्स पर जाना है, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स के अंदर जाना है, स्लाइड शो सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर कौन सा एवरी पिक्चर 30 मिनट के अंदर चेंज करना है, 1 मिनट के अंदर चेंज करना है, तो मैं 1 मिनट रखता हूँ, तो 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये सारा सब कुछ जो होता है यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये रही विंडो 10 के अंदर, लेकिन विंडो 10 के अंदर ही ये पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स मिलेगी। लेकिन विंडो 7 के अंदर किस तरह से करोगे, तो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 8.1 हो, तो ये आपको पर्सनल सेटिंग से ही करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपको बताऊंगा विंडोज 7 में भी जाकर, तो विंडोज 7 के भी मैं यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह सेटिंग्स होती है। फिर दूसरी मैं फ्लावर्स करके ये थीम सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लावर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो राइट क्लिक करके। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज होती है यहाँ पर थीम्स अलग अलग तरह की फ्लावर्स की। तो ये फ्लावर्स जो है वो अलग अलग तरह के आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से होता है। और यहाँ पर मैंने अपनी थीम सेलेक्ट की है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि विंडोज 10 के अंदर किस तरह से थीम सेलेक्ट करनी है। तो आप फिर से मैं कहूँगा कि ये पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स विंडोज 10 सेटिंग्स की आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स के वीडियो को देख ले पूरा, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमको सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से होता है यहाँ पर, तो मैंने सेलेक्ट करके रखी है। आप राइट साइड देखोगे दो तरह की यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। तो सेव थीम क्या होती है, क्योंकि आपने कोई थीम सेलेक्ट की है, आपने कोई फोल्डर सेलेक्ट किया है, तो फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव करना तो सेव कर सकते हो आप। आपको ऑनलाइन थीम चाहिए तो आपको वो ऑनलाइन की तरफ ले जाएगा। ओके, तो ऑनलाइन के अंदर आपको जाना है तो जा सकते हो, ऑनलाइन के अंदर आप कोई थीम डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो आप, तो इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। ओके, तो मैं एनिमल पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने एनिमल सेलेक्ट करके रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल का बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पर दूसरा आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आपको पर्सनलाइजेशन नीचे लिखा ही है तो इसके भी अंदर डायरेक्ट इस तरह से जा सकते हो डायरेक्टली। तो ये होता है यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर विंडोज 10 के अंदर जाओगे यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा पर्सनलाइजेशन सेटिंग, तो विंडोज 10 के अंदर होता है यहाँ पर। लेकिन विंडोज 7 के अंदर किस तरह से होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह की थीम्स होती है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट थीम्स क्या होती है, मतलब जो मेरी विंडो है आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से मैं क्लिक करता था इस तरह से विंडो ओपन होती है, फिर मेरा यहाँ पर इस तरह से क्लिक करता था इस तरह से विंडो ओपन होती है। तो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम्स क्या होती है कि एक और पावरफुल आपको कॉन्ट्रास्ट में आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको प्लीज वेट करके वो चेंज करेंगे, देख सकते हो आप हाई कॉन्ट्रास्ट में चेंज होगा मेरा विंडो, इस तरह से विंडो दिखेगी मेरी। ओके, इस तरह से विंडो दिखेगी मेरी। फिर यहाँ पर और चेंज करता हूँ दूसरी, तो आप देख सकते हो दूसरी हाई कॉन्ट्रास्ट में सेट हो गया। ओके,
तीस तरह से होता है यहाँ पर, तीसरे में चेक करूँगा तो तीस तरह आप दे सकते हो, तो इस तरह से होता है यहाँ पर। चौथा है कंट्रास्ट, वाइट में करूँगा तो वाइट में आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये थीम्स होती है हाई कंट्रास्ट थीम। ओके, फिर मुझे तो ये नहीं रखता, मुझे सिंपली जो था वही मैं वही रखूँगा। ओके, तो जो था वही भी रखा, मैंने जो थीम सेलेक्ट की थी वही, उस पर क्लिक कर दो आप, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ओके, तो बात आती है विंडोज 7 के अंदर किस तरह से सेट करें, विंडो 8, विंडो 8.1 में सेट कैसे करें, विंडो एक्सपी में कैसे सेट करें, तो चलिए उसके अंदर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो कि विंडोज 7 में मेरा दूसरा कंप्यूटर है, तो मेरे दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर विंडोज 7 है और विंडोज 7 की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सीधा से बात मैं कह देता हूँ कि ये जो विंडोज 7 के अंदर आप देख सकते हो इस तरह की विंडो है, तो यहाँ पर हमें देख सकते हो कि कंट्रोल पैनल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स होगी, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स है। जैसे जैसे ऊपर क्लिक करता हो तो यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन वहाँ से जब विंडोज 10 के अंदर आपने देखा था वो पर्सनलाइजेशन थोड़ा सा सेटिंग्स यहाँ पर चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड और स्क्रीन सेवर वहाँ पर विंडो 10 के अंदर नहीं लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर विंडो 7 है, विंडो 8, विंडो 8.1 के अंदर लेकिन सेम है, लेकिन विंडो 10 के अंदर छोटा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिली थी आपको विंडो 10 के अंदर। तो जब हम विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं तब हमें इस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हो मिलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप, तो इसको किसी से चेंज करें, तो आप सिंपली स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स पर जाइए। ये कंट्रोल पैनल में से आपको पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स जो है आपको मैंने ओपन करने को बताया, लेकिन डायरेक्टली आपको ओपन करना तो राइट क्लिक करना है आपको, और पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो वो भी सेटिंग्स वही सेम ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विंडोज 7 की यहाँ पर थीम्स है डिफॉल्ट, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेता है थीम्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे को ऑल चेंज करता हूँ कोई थीम्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर्किटेक्चर की थीम्स है, विंडोज 7 ने डिफॉल्ट ही सेट करके रखी है, देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये पर्सनल सेटिंग्स का पार्ट 1 पूरा होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पर्सनल सेटिंग्स की, वीडियो पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, किस तरह से हमें पर्सनल सेटिंग्स की पार्ट 2 के अंदर हमें देखना मिलेगा कि और कौन सी सेटिंग्स है। तो मैं विंडोज़ के अंदर भी मैं बताऊंगा विंडोज 7 के अंदर कि कौन कौन से यहाँ पर सेटिंग्स होती है पर्सनल सेटिंग्स को किस तरह से यूज़ करना है, तभी तो विंडोज 10 के अंदर चल रहा है यहाँ पर पर्सनल सेटिंग। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।